नमस्कार विद्यार्थियों, सातवीं कक्षा की वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने तीसरा पाठ स्वावलंबनम आधा पढ़ा था, शेष हमारा रह गया था, आज उसको हम पूरा करेंगे और साथ में अभ्यास कार्य भी करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था कि श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे, एक धनी था एक निर्धन था। जो धनी श्रीकंठ था वो कृष्णमूर्ति के घर जाता है, वहाँ पर स्वयं कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठ की सेवा करते, अतिथि सत्कार करते हैं। तो इस प्रकार वो कहता है कि आपके घर नौकर नहीं है, मेरे यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, मेरा अतिथि सत्कार करते हुए तुम्हें दुख हुआ होगा। फिर कृष्णमूर्ति ने कहा, नहीं मेरे भी 8 नौकर हैं। तो उसने बताए थे कि वो नौकर हैं, 2 मेरे पैर, 2 मेरे हाथ, 2 आंखें और 2 कान। अब उससे आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। एते प्रतिक्षणम, एते ये कौन, ये जो नौकर बताए उसने, मम मेरे सहायका, मेरे सहायक हैं, कि ये हर समय, जो ये मेरे नौकर हैं हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्या, तव तुम्हारे भृत्या नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और हर जगह उपस्थितः भवितुम, उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, नहीं हो सकते भी। मेरे तो ये हर समय मेरे साथ ही रहते हैं, किंतु तुम्हारे ये नौकर तुम्हारे साथ हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु, तुम तो सब कार्याय, सब अपने कार्याय, काम सभी कार्यों के लिए भृत्या अधीन है, नौकरों के अधीन हो, कि तुम तो अपना काम स्वयं भी नहीं कर सकते, तुम्हारा सारा काम तो नौकर ही करते हैं, तुम उनके अधीन हो। यदा यदा, जब जब ते वे अनुपस्थिता, अनुपस्थित होंगे अर्थात तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तदा तदा, तब तब त्वम, तुम कष्टम अनुभवसी, तुम दुख अनुभव करोगे, तुम्हें दुख का अनुभव होगा। क्यों? तुम स्वयं अपना कार्य करते नहीं, जब तुम्हें खुद करना पड़ेगा तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। स्वावलंबने, स्वावलंबने का अर्थ है आत्मनिर्भरता में तू तो सर्वदा हमेशा ही सुखमेव, सुख ही होता है। अर्थात आत्मनिर्भरता, जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है उसमें तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी दुख नहीं होता। हिंदी सुन लीजिए, ये हर समय मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं, किंतु तुम्हारे नौकर तो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, तुम तो सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों पर अधीन हो, निर्भर हो, जब जब भी अनुपस्थित होंगे तुम्हें तब तब दुख का अनुभव होगा। आत्मनिर्भरता में तो सुख की ही प्राप्ति होती है, कभी भी दुख नहीं मिलता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तब तुम्हारे वचनानी, वचनानी बात श्रुत्वा सुनकर, मम मेरा मनसी, मन महती बहुत अधिक प्रसन्नता जाता, प्रसन्न हुआ है कि हे मित्र तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अधुना आज से ही अहम अपि, मैं भी सब कार्याणी, अपने सभी कामों के लिए स्वयमेव, अपने आप ही कर तुम इच्छामि, अपने आप ही करना चाहूँगा, कि आज से ही मैं सारे कार्य अपने आप ही करूँगा अपने। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध साढ़े द्वादश, 12 वादनम बज चुके हैं, इदम अब 12:30 बज चुके हैं, साम्प्रतम गृहम चलामि, अब मुझे घर जाना चाहिए। श्रीकंठ ने क्या कहा कि हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है, आज से ही सभी कार्यों को मैं अपने आप ही करूँगा। अच्छा, अब 12:30 बज चुके हैं, मैं घर चलता हूँ। अब आइए अभ्यास हमारा, अभ्यास में देखिए, अभ्यास में है ये पहला है उच्चारणम कृत, इनका उच्चारण करेंगे। अब आते हैं अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नान उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कस्य भवने, किसके घर में सर्वविधानी, सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे,
किसके घर थे? श्री कंठस्य। कश्चय गृहे, किसके घर पर कोऽपि कोई भी भृत्य नौकर नास्ति, नहीं था। किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति गृहे, कृष्णमूर्ति के घर पर। श्री कंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार के किनके द्वारा पूर्वन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता चाहे और उसके माता पिता के द्वारा। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा हमेशा कुत्र कहाँ पर सुखम, सुख होता है कहाँ पर, हमेशा सुख की प्राप्ति होती है स्वावलंबने आत्म निर्भरता में। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कदा कब आगछत आया, 9 बजे। कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के कति कितने कर्म करहा नौकर संति हैं थे हैं, 8। ये वाला भाग आपको नोटबुक में करना है। 6 भाग में देखिए आपको पिक्चर दिखा रखी है। ये कह रहे हैं चित्र चित्राणी गणित्वा संख्यावाचक लिखित, उनके नीचे संख्यावाचक लिखने हैं कि आपके ये कितने हैं वो, क्योंकि आपको पाठ में शुरू में ही बता दिया गया था कि इस लेसन में संख्यावाची शब्द भी आएंगे, ये आपको नहीं करना है नोटबुक में। आगे है आपका 4 भाग, मंजूषा में से आपको क्या है ये ऑप्शन दे रखे हैं काउंटिंग के, गिनती के, या आपको छाट के लिखने, जैसे 28, 28 को अष्टाविंशति, 30 त्रिंशत, 27 सप्तविंशति, 31 एक त्रिंशत, ये वाला भी नोटबुक में करोगे आप, 24 चतुर्विंशति, 50 पंचाशत, 40 चतवारिशत। आगे इन्होंने देख कहा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, कि चित्रों में, चित्र को देखकर और मंजूषा में जो आपको वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनको लेकर आप वाक्य बनाइए। आप अपनी बुक में तो करोगे ये, लेकिन नोटबुक में नहीं करोगे, देख लो ध्यान से, बुक में आपको ये भरना है। ऐसे ही बच्चों अब है, ये समय दे रखा है, समय आपका ग्रामर में है, लेकिन अभी 31 मई तक जो आपका सिलेबस होगा उसमें समय नहीं है। समय मैं आपको ग्रामर में आगे बहुत अच्छे से करवाऊंगी, अभी क्योंकि हमारा पाठ क्या था, समय से संबंधित था, इसमें संख्यावाचक, आप बस इनको देख लो। आपको ये वाला नोटबुक पर करना है कि जैसे 10:30 को सार्ध द्वादश वादनम, एक बात ध्यान में रखो, जहाँ पे भी साढ़े का समय है वहाँ सार्ध वर्ड आया हुआ है, 7 सप्तवादनम, ये 2:30 सार्ध द्विवादनम, ऐसे ही ये देखो आपको भरना है, अपनी नोटबुक पर भी करना है। 4:30 7 चतुर्वादनम, 1:30 सार्ध 1 वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 3 वादनम, फिर 9 वादनम, 7 द्वादश वादनम, 8 वादनम, 7 सप्तवादनम, और लास्ट है हमारा इस लेसन का जो लास्ट अभ्यास का भाग है 7, मंजूषात पदानी चित्वा, मंजूषा में से पदों को छाटकर और रिक्त स्थान भरिए। डैश ऋत्व भवंती, खाली स्थान ऋत्व भवंती, ऋत्वें होती हैं, कितनी होती हैं? 6 होती हैं, 6 की संस्कृत क्या है? षड आ जाएगा। मासा महीने खालिस्तान भवंती, महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 की संस्कृत द्वादश। एकस्मिन मासे, एकस्मिन एक मासे महीने में खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिवसा अस्ति, खालिस्तान या खालिस्तान दिन होते हैं। त्रिशत, या तो 30 होते हैं अथवा 1 त्रिशत या 31 होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी मास में सामान्यतः खालिस्तान दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं? 28, 28। मम शरीरे खालिस्तान हस्तौ, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, 2। तो ये भी आपको नोटबुक पर करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 3रा पाठ अभ्यास कार्य सहित, हिंदी सहित, ये आपका खत्म हो गया। आप इसको कॉपी पर करेंगे, हिंदी आपको होमवर्क में मिल जाएगी।